आप जानते हैं हर झूठ, हर एजेंडे और हर प्रोपेगेंडे की ना एक सीमा होती है, लेकिन ये चाइनीज एजेंडा, चाइनीज झूठ, चाइनीज प्रोपेगेंडा की कोई सीमा नहीं है। लेकिन दुख होता है कि चाइनीज एजेंडा भारत में कुछ लोग उठाते हैं उसका झंडा। गलवान के भारतीय हिस्से में चीनी झंडा, किसका एजेंडा, किसका प्रोपेगेंडा? फिर से पूछेंगे सवाल डंके की चोट पर। गलवान के भारतीय हिस्से में चीनी झंडा, किसका एजेंडा, किसका प्रोपेगेंडा? चाइनीज दुष्प्रचार, देसी सुपरस्टार, चाइनीज दुष्प्रचार के कितने सुपरस्टार? देश नहीं झुकने देंगे, हम देख आप देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से चीन के दुष्प्रचार को आगे बढ़ाकर भारतीय सेना के सम्मान को झुकाने की कोशिश हो रही है। जिस गलवान ने भारत की पराक्रम पॉलिसी बदल कर रख दी, जिस गलवान में भारतीय सैनिकों ने हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया था, पसलियां तोड़ दी थी चीन के सैनिकों ने, इतनी बुरी मार मारी थी, चीन की सेना को कागजी शेर साबित कर दिया था, जिस गलवान में भारतीय सेना ने चीन के गुरूर को अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया था, कर्नल संतोष बाबू की शहादत याद है ना, उसी गलवान पर 1 जनवरी को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, चीन ने भारत के खिलाफ भड़काने वाली कार्रवाई की। दुष्प्रचार, फेक न्यूज, चीन प्रोपेगेंडा, कुछ भी कह लीजिए ना, चीन की सरकारी मीडिया ने दुष्प्रचार फैलाया कि पीएलए ने गलवान घाटी में चीन का झंडा फहरा दिया। ये चीन का झूठ था, उड़ाना कुछ है नहीं, इतनी मार पड़ी है अब किसी की हिम्मत होगी। और चीन के दुष्प्रचार को भारत में आगे बढ़ाया गया। पीएलए पर भरोसा है, भारतीय सेना पर कम भरोसा है। जैसे भारतीय सेना कमजोर पड़ गई है पीएलए के आगे, कांग्रेस ने भारतीय सेना के शौर्य पर भरोसा करने की बजाय चीन पर भरोसा करना ज्यादा मुनासिब समझा। कांग्रेस ने कहा कि भारत की गलवान घाटी में चीन ने झंडा फहरा दिया। यह दावा तो पीएलए ने भी नहीं किया। पीएलए ने भी जो लिखा वो ये लिखा कि गलवान में चीन का झंडा। अब वो गलवान चीन के हिस्से वाला गलवान है या भारत के हिस्से वाला, ये दावा तो चीन ने भी नहीं किया, पीएलए ने भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये कहा कि भारत की गलवान घाटी में चीन ने झंडा फहरा दिया। यानी कि कांग्रेस ने मान लिया कि गलवान में भारतीय सेना बलवान नहीं रही। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। गलवान में उन्होंने कहा कि गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। मैं चाहूंगा अगर वो वीडियो हम चला दें एक बार, जो चीन का जो प्रोपेगेंडा वाला वीडियो है उसमें कहीं ये साबित नहीं हो रहा है कि ये भारतीय हिस्से वाला वीडियो है। ये देखिए चीन के, इसको फुल स्क्रीन पर चलाइए एक बार और इसको देखिए आप, ये चीन का दुष्प्रचार वाला वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये गलवान में चीनी झंडा, अब इसमें ये चीन का दुष्प्रचार वाला वीडियो, ये चाइनीज दुष्प्रचार, अब इसमें कहीं नहीं ये साबित हो रहा है, ये चीन भी नहीं दावा कर रहा, बस ये उसमें है कि गलवान में चीन का झंडा, अब ये कहीं पे भी नहीं है कि ये भारत के हिस्से वाला गलवान है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सबने कह दिया ये भारत के गलवान में कब्जा हो गया, झंडा फहरा दिया, मोदी जी चुप्पी तोड़ो, जवाब दो।